शारदा अनामिका सास बहू थे, पर वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो हर एक बात पे लड़ाई करते थे। ये बात उनके पतियों को भी पसंद नहीं थी। ऐसे ही दिन निकलते हैं। एक दिन शारदा चावल पीस रही थी, उस वक्त उसके पति वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, अरे तुम सुबह सुबह चावल पीस रही हो, मैं बहुत भूखा हूँ, तुम्हारे पास ग्राइंडर है ना? ग्राइंडर से स्वाद नहीं आते हैं, इसीलिए हाथ से पीस रही हूँ। तभी अनामिका वहाँ आती है। पापा जी, अगर सासू माँ के इंतजार में रहे तो आज आपको वास करना पड़ेगा, लीजिए वड़ा बनाया है, खा लीजिए। अनामिका इस तरह कहती है। प्रशांत उसकी बातों के तहत जैसे ही जाने लगते हैं तो शारदा कहने लगती है, जाओ जाओ, वो वड़े नहीं पत्थर के ढेले होंगे, खा के देख लो। ऐसा क्या, पर क्या पता किसका क्या बने, पर मुझे पता है जब मैं नई नई शादी करके यहाँ आई थी आपने वड़ा बनाया था जिनसे दीवारों पे काटी ठोका भी जा सकता था। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। तुम मुझसे ऐसा कहोगी? वो पिसा हुआ चावल लेके अनामिका के मुंह पे फेंकती है, लेकिन वो जाके प्रसाद के मुंह पे गिरता है। ये देखकर अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। पिताजी, ये माँ ने आपके साथ क्या किया? आप तो बिल्कुल बेवकूफ की तरह लग रहे हैं। उठा के आप भी माँ पे फेंकिए, आप किसी से कम नहीं है। अनामिका इस तरह प्रोत्साहित करती है और ससुर जी भी उसके बातों के मुताबिक शारदा के ऊपर बैटर फेंक देते हैं, पर वो जाके अनामिका के चेहरे पे लग जाता है। अरे पिताजी, आपने मुझ पे क्यों फेंका, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कह के वो बैटर लेके ससुर जी को भगाने लगी। फिर जैसे ही उसने बैटर फेंका, वो जाके अब पति रमेश के चेहरे पे लग गया। रमेश कहता है कि अच्छा, ये खेल तो मजेदार है, मैं भी आता हूँ। फिर वो बैटर लेके जोर से फेंकता है, वो जाके शारदा के चेहरे पे लग जाता है। इस तरह सभी एक दूसरे के ऊपर बैटर फेंका फेंकी करने लगे। तभी अचानक शारदा को दिल में दर्द होने लगता है। माँ, दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर शारदा जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। सासू माँ, क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? आइए आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, इस उम्र में भाग दौड़ करने की क्या जरूरत थी आपको। इस तरह अनामिका कहती है। फिर सारा दिन सासू माँ के देखभाल में उसका निकल जाता है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका जल्दी से उठ के घर का सारा कामकाज, पति, ससुर, सासू माँ को वो नाश्ता बना के पड़ोसती है। तीनों जन ही एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। वो अनामिका से कहते हैं साथ बैठ के खाने के लिए, पर वो कहती है कि वो उनके बाद खाना खाएगी, पर वो उसकी बातों पर तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हीं के साथ बैठ के अनामिका को खाना पड़ता है। माँ, कल जब तुम बीमार हो गई थी अनामिका बहुत ज्यादा डर गई थी। वैसे तो आप लोग हमेशा लड़ते हो, फिर उनमें से कोई अगर बीमार पड़ जाए तो आप लोग एक दूसरे का ख्याल भी रखते हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। सास बहू के बीच का प्यार हम दोनों नहीं समझ पाएंगे, समझे ना? प्रशांत इस तरह से पूछते हैं, पर वो दोनों ही कुछ जवाब नहीं देते हैं, बस चुप रहते हैं। तभी अनामिका कहती है, पिताजी पहले आप अपना नाश्ता खत्म कीजिए, फिर बताती हूँ। अनामिका कहती है। वो भी हाँ कह के नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता खत्म होने के बाद अनामिका कहती है, अरे ना ही ये प्यार है और ना ही मच्छर, अगर सासू माँ को कुछ हो गया तो मैं किनके साथ लड़ूंगी, इसीलिए बचाना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के प्रसाद मुस्कुराता है। तभी शारदा कहने लगती है, अनामिका तुम मेरे हाथ ही मरोगी। शारदा इस तरह से अनामिका को उल्टा जवाब देती है। फिर वो एक दूसरे से लड़ते भी थे, लेकिन बहुत प्यार से घर पे रहते थे। एक दिन अचानक से उनके घर में एक बुरी खबर आती है। प्रसाद और रमेश दोनों की ही एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये जानने के बाद मानो दोनों ही बिल्कुल टूट जाते हैं। उठो ना, एक बार उठो, एक बार लौट कर आओ। हे भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम बर्बाद हो गए। इस तरह वो दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि अनामिका गर्भवती है। सासू माँ रोती है, लेकिन फिर भी उसे दिलासा देती है। फिर उन दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। घर का माहौल बहुत ही उदास हो जाता है। सास बहू दोनों ही बिल्कुल खुश नहीं थे।
घर के कामकाज के दौरान भी वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। जब ऐसे ही दिन चल रहा था, एक दिन अचानक से प्रसाद और रमेश की आत्मा वहां आकर उनसे कहने लगती है, माँ अनामिका तुम लोग उदास क्यों हो? पैदा हुए हैं तो हमें मरना तो होगा ही ना, आप लोगों को पहले जैसे ही लड़ते झगड़ते रहना चाहिए। हम तो कभी नहीं गए छोड़ के, हम तो वापस आ रहे हैं अनामिका तुम्हारे जुड़वा बच्चे बनके। अब तुम दोनों खुश हो जाओ, नहीं तो हम यहाँ दुखी हो जाएंगे। ये सुन के वो दोनों महिलाएं अपने आंखों की आंसू पोंछती है, तभी वो आत्माएं अदृश्य हो जाते हैं। उस दिन के बाद से सास बहू फिर से एक दूसरे के टांग खिंचाई में लग गए और खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगे। कुछ महीनों बाद अनामिका दो जुड़वे बच्चे को जन्म देती है। उन्हें देखकर अनामिका और शारदा बहुत खुश होती हैं। वो उनका नाम रमेश और प्रसाद के नाम पे ही रखते हैं। वो अपने बच्चों में अपने पतियों को ढूंढ लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। उस परिवार में बेटा रमेश, सासू माँ शारदा और बहू अनामिका तीनों मिल के रहते थे। सासू माँ शारदा बहुत ही अमीर और घमंडी थी, उसे बहुत मॉडर्न रहने का शौक था। शारदा अपनी महंगी चीजों को लेकर, अमीरी को लेकर गर्व करती थी। ये देख रहे हो मेरे हाथ में घड़ी, ये पूरे 5 लाख की है। मैं तो हमेशा बिस्लरी का ही पानी पीती हूँ, मुझे गांव का पानी पसंद नहीं। बहू अनामिका तुम कितनी गंदी रहती हो, इसीलिए तो मुझे गांव वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता होता है। ऐसा ही कुछ दिन चलता है। हर रोज सासू माँ शारदा अपनी बहू अनामिका को नीचा दिखाया करती थी। सासू माँ को गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन शारदा अपनी बहू के साथ किचन में काम कर रही थी, इतने में ही शारदा कहती है, अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है, क्या जल रहा है? जवाब में अनामिका कहती है, सासू माँ ये मशीन बंद नहीं हो रही है। ये सुन के शारदा कहती है, अरे बहू इसे ओवन कहते हैं, मैंने बोला था ना गांव वाले लोग बुद्धू होते हैं, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, पूरा का पूरा खाना जला दिया। हाय रे माँ जी, मैं बंद कर ही रही थी लेकिन ये बंद ही नहीं हो पाया। ये ओवन कैसे बंद होता है इतना पता भी नहीं है तुम्हें? हटो तुम यहाँ मत आओ, ये बहुत महंगा सामान है, खराब कर दोगी, ऐसे में भी तुम गाँव वालों को इसे छूने ही नहीं देना चाहिए। बस इसी तरह शारदा हर रोज अपनी बहू अनामिका पर गुस्सा करती थी और हर रोज अपनी शिकायत लेकर बेटे रमेश के पास जाती थी। क्यों बेटा तुम्हें ऐसी गांव वाली बहू लाने की क्या जरूरत थी, इसे तो कुछ भी नहीं आता। इतना ही नहीं इसे तो किचन का ओवन तक चलाने नहीं आता और ना ही फ्रिज के बारे में कुछ पता है इसे। ये सुनकर रमेश कहता है, माँ उसने पहले ये सब चीजें नहीं देखी ना, इसीलिए धीरे धीरे सब सीख जाएगी। सीख जाएगी यही काम है मेरा, कम से कम समझदार बहू लाते तो क्या बिगड़ जाता, ये बहुत बुद्धू है, अब उसकी भी क्या गलती है, गांव वाली है ना। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सासू माँ के अमीर मेहमान उनके घर पे आते हैं और वो मेहमान गरीब गांव वाली बहू को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे माँ ये कितनी गंदी है ना, मुझे इससे बदबू आ रही है। हाँ बेटा। अरे शारदा बुआ ये तो साड़ी पहनती है, इसे तो हमारे जैसा जीन्स टॉप भी नहीं पहनने आता, ये कितने पुराने विचारों की है। ये तो बहुत तीखा खाना बनाती है, मुझे तो खाना भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये सब बातें सुनकर तीखी आवाज में शारदा कहने लगती है, देखा ना बहू रानी, हर जगह मुझे तुम्हारी वजह से बेइज्जती सहनी पड़ती है। मेरे बेटे को तो कुछ काम नहीं था, उसकी आंखें फूट गई थी कि तुम्हें वो बहू बनाकर मेरे घर में ले आया। इस तरह की शारदा की बातें सुनकर बहू अपने कमरे में जाके अकेले रोने लगती है और गांव में रहने वाली अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे हमेशा गांव वाली कहकर चिढ़ाते हैं। माँ मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बेटी अनामिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ कहती है, देखो बेटा उन्हें कुछ भी कहने दो, किसी के बुरे कहने से हम बुरा नहीं बनते,
भगवान सबको एक ना एक दिन जरूर सबक सिखाते हैं, बस तुम सह लेना, एक दिन जरूर सब अच्छा होगा बेटा। अनामिका की माँ उसे समझाती है। ठीक है माँ, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। बहुत दिनों के बाद एक दिन छुट्टी का दिन आता है। बेटा रमेश भी उस दिन घर पे ही था। माँ शारदा उसे कहती है, अरे बेटा आज तुम्हारी छुट्टी है ना, मन कर रहा है कहीं पिकनिक जाने का। ये सुनकर रमेश कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बताओ कहाँ जाना है। फिर शारदा कहती है, चलो हम वाटर पार्क चलते हैं, वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ आते हैं, छुट्टी का पूरा मजा तुम्हें भी मिल जाएगा। बेटा रमेश, सासू माँ शारदा और बहू अनामिका अपने कार में बैठ के वाटर पार्क के लिए निकलते हैं। फिर कार में बैठ के शारदा कहती है, अरे बहू वहाँ ठीक से पेश आना, गांव वाली हरकत बिल्कुल मत करना, वहाँ सब अमीर और मॉडर्न लोग आते हैं, गांव वाले नहीं आते, समझी। शारदा की बातें सुनकर अनामिका कहती है, ठीक है सासू माँ, आपको बुरा लगे ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगी। ये सुनकर बेटा रमेश और सासू माँ शारदा हंसने लगते हैं। पिकनिक के लिए वाटर पार्क पहुँच के बेटा रमेश और शारदा बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ पहुँच के बेटा रमेश और शारदा सेल्फी लेने लगते हैं। शारदा कहती है, अरे आओ 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 हम सेल्फी निकालते हैं। बेटा रमेश आज का तो पैसा वसूल हो गया, क्या माहौल है, कितनी अच्छी अच्छी फोटो आ रही है। ओहो लेकिन इस बहू ने सारे फोटो खराब कर दिए यार, इसे ठीक से पोज तक नहीं देने आता, आखिर में इसकी भी क्या गलती है, गांव वाली है ना, इसे सेल्फी के बारे में क्या मालूम होगा, इस गांव वाले लोगों को तो मोबाइल भी ठीक से पकड़ने नहीं आता। मजे करते हुए उनका बहुत वक्त निकलता है। बेटा रमेश और सासू माँ शारदा पानी का भी मजा लेते हैं और बहू सिर्फ बगल में बैठकर देखती रहती है। इतने में ही अचानक से बेटा रमेश पानी में डूबने लगता है। अरे बचाओ बचाओ मैं पानी में डूब रहा हूँ बचाओ। सब मॉडर्न और अमीर लोग भीड़ लगा देते हैं देखने के लिए, पर रमेश को बचाने कोई नहीं जाता। उतने में भीड़ से एक इंसान कहता है, अरे बाप रे ये क्या हुआ, अरे कोई उसे बचाओ, कोई उसे बचाओ। शारदा अपने बेटे की जान बचाने के लिए विनती करने लगती है, प्लीज प्लीज कोई मेरे बेटे को बचाओ, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, उसे तैरना नहीं आता। तब तक अनामिका पानी में छलांग लगा देती है और तैरते तैरते रमेश को बचा लेती है, पानी से निकाल के उसे ऊपर ले आती है। रमेश ऊपर आके लंबी सांसें लेकर कहता है, हाय भगवान आज मैं अगर डूब जाता तो मर ही जाता। विचलित होके शारदा आके कहने लगती है, अरे मेरा बेटा तुम ठीक तो हो ना। रमेश आश्वासन देते हुए कहता है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। सासू माँ शारदा, बेटा रमेश और बहू अनामिका तीनों गाड़ी में बैठ के घर वापस आने लगते हैं। तब सासू माँ शारदा कहती है, अनामिका तुम्हें तैरना किसने सिखाया, मुझे लगा तुम्हें स्विमिंग नहीं आती होगी, क्योंकि शहर में स्विमिंग पूल होते हैं पर गांव में स्विमिंग पूल तो नहीं होते होंगे ना। ये सुनकर अनामिका कहती है, मैं तो बचपन से गांव में ही रही हूँ ना, और हम गांव वाले लोग नदी में तैरना सीख लेते हैं, हमें तैरना बचपन से ही सिखाया जाता है। बहू अनामिका की बातें सुनकर शारदा कहती है, वाह तुम तो सच में होशियार हो, आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, पर मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। सासू माँ को इस तरह सीख मिल जाती है। तब से सासू माँ और बहू रानी एक साथ रहने लगते हैं और परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं।